सर वैसे रिलीफ की बात हो रही है, हर थोड़े दिन में एक वर्ड हमारे पास आता है, एक लफ्ज सुनाई देता है रिलीफ का, आप इस वर्ड को कैसे देख रहे हैं? मैं आपकी जबानी जानना चाहूंगी कि हमें क्या हकीकतन रिलीफ मिलेगा बिजली पर या और भी बहुत सारी जो चीजें हमारे साथ चल रही हैं इस वक्त, ओवरऑल पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमें तो हर चीज में ही रिलीफ चाहिए वैसे, बट अगर हम इस वक्त बिजली के बिल्स की बात करें, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने लोगों ने खुदकुशी की है, सोशल मीडिया की वजह से कुछ लोग तो हाईलाइट हो गए कि भाई ये खुदकुशी कर बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सफेद पोश हैं, अंदर ही अंदर मर रहे हैं उन तमाम चीजों की वजह से, लेकिन बाहर रोना नहीं रो रहे। देखिए सोनिया, इसमें रिलीफ जो मिलना है वो बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हुकूमत के पास तो पैसे ही नहीं है। आप जो आपको कर्जा मिल रहा है, IMF से पैसे मिल रहे हैं, वो आप दूसरे कर्जों की सूद के मद में अदा करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की अपनी कमाई तो है नहीं, ना कोई टैक्स कलेक्शन है। मैं आपको बड़ी हैरान कौन बात बताऊं कि पाकिस्तान जो सैलरीड पेशा है उनकी जो टैक्स कलेक्शन है, यानी कि हमारी और आपकी और जो सरकारी इदारों के लोगों से टैक्स काटा जाता है, वो बिजनेस कम्युनिटी से ज्यादा बढ़ गया है। तो मतलब ये बड़ी अजीब बात है, आप जो बिजनेसमैन हैं आप उनसे प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करना शुरू करें, आपकी रेमिटेंसेस बहुत कम हो गई, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो गई, तो आप जब पैसे नहीं कमाएंगे तो आप रिलीफ कहाँ से देंगे? हुकूमत ने भी बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती है, और जिस तरह ये निगरान गवर्नमेंट बैठी है, ये इतने बड़े बड़े बयान कैसे दे सकती है? ये तो एक छोटे अरसे के लिए आई है, कोई लंबी पॉलिसी नहीं बना सकते, ये निचकारी की बातें कर रहे हैं। क्या इनका इरादा है कि ये कुछ ज्यादा अरसे बैठेंगे? और पाकिस्तान में जब तक आईन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक आप अनसर्टेनिटी खत्म नहीं करेंगे मुल्क से, आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएगा। वो आके इस वक्त किससे बात करेगा? वो काकड़ साहब से बात करेगा, वो सोलंकी साहब से बात करेगा, और इनका कितना पीरियड है? तो जब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक मौशी इस्तेकाम नहीं आएगा, और अभी मुझे तो लगता है कि ये बिजली के बिल भी बढ़ेंगे, पेट्रोल की कीमत मुजीद बढ़ेगी, बिजली के बिल भी मुजीद बढ़ेंगे। आप रिलीफ की बात कर रही हैं, पाकिस्तान में तो इस तरह के जो वाकयात आपने जिक्र किया मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, लेकिन ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग अपनी मोटरसाइकिलें जला रहे हैं, लोगों ने स्कूल से अपने बच्चों को उठा लिया, उनको काम के ऊपर डाल दिया, तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा एक बॉम्ब फटेगा और पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस पर सबको मिल के बैठ के ध्यान देना चाहिए, तमाम सियासी पार्टियां, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलजुल के बैठें और इसका हल निकालें, वे फॉरवर्ड निकालें, और ये इंतकाम की सियासत या इंतकामी रवैये जो है ये इस वक्त खत्म होनी चाहिए।